नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सेक्रेट ऑफ लाइफ पे। आज की वीडियो वृश्चिक राशि के लिए जून 2022 का राशिफल लेकर के आया हूँ। देखिए, अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। इसमें हम बात करेंगे कि जून के महीनों में ग्रह की जो स्थिति है वो क्या बन रही है, दूसरा क्या क्या बेहतरीन योग आपके जून के महीने में बन रहे हैं ग्रहों की गोचरी व्यवस्था से, और उसके साथ साथ किन बातों का आप ध्यान रखें, क्या रेमेडीज आप करें, इन सब चीज़ों पे बहुत कम समय में बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, अगर आप वृष राशि के हैं तो जून के महीने में कुछ बेहतरीन योग आपके लिए बनेंगे और वो योग आपको बहुत ही फायदा दे सकते हैं। अगर आप उचित मेहनत करेंगे, उचित एक्शन उसके लिए लेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आपके लिए जून के महीने में आपको मिल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ग्रह स्थिति पे बात कर लूँ तो शनि कुंभ राशि में, राहु मेष में, केतु तुला में, गुरु मीन में और मंगल मीन में और बुध वृष राशि में पूरे महीने बने रहेंगे। जो सूर्य है वृष राशि में रहेंगे 14 जून तक, और उसके बाद मिथुन राशि में 15 जून से 8वें भाव में चले जाएंगे, और जो आपका शुक्र है मेष में रहेगा 18 जून तक और फिर यहां चला जाएगा वृष राशि में 18 जून के बाद। जो बेहतरीन योग बनेंगे वो सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग बनेगा 14 जून तक सेवंथ हाउस में, उसके बाद 18 जून से शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा सेवंथ हाउस में। ये दो बहुत बेहतरीन योग बनेंगे। देखिए, चर्चा कर लें सबसे पहले हेल्थ की, तो मंगल आपका लग्नेश होकर के फिफ्थ हाउस में है और लग्न पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, शनि की दृष्टि थोड़ी सी है, तो लेजनेश थोड़ा सा रह सकता है आप में, अदरवाइज अभी थोड़ा सा लेजनेश आपके ऊपर है, लेकिन ज्यादा कुछ हेल्थ को लेकर के इशू गोचरीय व्यवस्था से आपके ऊपर नजर नहीं आ रहा। हेल्थ लग्न की पोजिशन और लग्नेश की पोजिशन जून के महीने में ठीक है, तो हेल्थ में कोई खास परेशानी नजर नहीं आ रही है। उसके बाद देखिए शनि की स्थिति को देख लें, शनि शशि योग बना रहे यहां पर फोर्थ हाउस में बैठे शनि। देखिए, जब से शनि यहां पर आए हैं मातृसुख में वृद्धि किए हैं, फैमिली का माहौल, फैमिली से सपोर्ट थोड़ा सा आपका बेहतर किए हैं। गौर करिएगा, जब से शनि इस राशि में कुंभ राशि में आए हैं ये चीजें आपके साथ हुई होंगी। उसके साथ साथ अगर आप लैंड प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, अगर आप व्हीकल्स लेने की तैयारी में हैं, तो उन सब चीजों के लिए जून का महीना अच्छा है, क्योंकि शनि कुंभ राशि में फोर्थ हाउस में आपके विराजमान रहेंगे। उसके बाद जो स्थिति है वो गुरु और मंगल 26 जून तक दोनों एक साथ यहां पे रहेंगे। मंगल 26 जून तक यहां रहेंगे, 27 जून से यहां जाएंगे, तो लगभग पूरे महीने मंगल भी यहीं रहेंगे, गुरु भी यहीं रहेंगे। तो ये जो गुरु और मंगल की स्थिति आपके फिफ्थ हाउस में है, ये बहुत ही अच्छी स्थिति है। सबसे पहले तो गुरु का फिफ्थ हाउस में बैठना और लग्नेश का भी इसके साथ आकर के बैठना, आपके ज्ञान में वृद्धि, अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी के लिए समय बहुत ही अच्छा है, संतान सुख के लिए समय अच्छा है, संतान का सुख प्राप्त होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ गुरु और मंगल की ये उति आपको अध्यात्म की ओर भी प्रेरित करेगा और गुरु की पांचवी दृष्टि भाग्य भाव पर भाग्य का साथ दिलाने में भी आपको मदद करेगी। तो इन सब चीजों में ये गुरु और मंगल की युति आपके लिए बहुत अच्छा है, और गुरु का फिफ्थ हाउस में बैठना स्पेशली बहुत अच्छा है लाभ के दृष्टिकोण से। आप गुरु की दृष्टि यहां पर लग्न पर भी बनी हुई है, तो कई सारी अगर कोई डिजीजेज होंगी, परेशानियां होगी, आपके व्यक्तित्व में कोई कमी होगी, तो उसको गुरु दूर करने की कोशिश करेंगे, आपको फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ मिलेगा, आपकी पर्सनैलिटी बेहतर रहती हुई जून के महीने में दिखाई दे रही है गुरु की दृष्टि से। उसके बाद देखिए मरकरी और सूर्य का बुध आदित्य योग सेवंथ हाउस में 14 जून तक रहेगा। इस दरमियान अभी जो आपकी स्थिति है वो एक अच्छी स्थिति है, आपका विजडम, आपकी बुद्धि अच्छी काम करेगी, आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहेगा 14 जून तक, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, इन सब चीजों में आपको फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चूंकि सेवंथ हाउस में ये बुध आदित्य योग बन रहा है, तो बिजनेस में भी आपको लाभ, पार्टनरशिप में भी आपको लाभ हो सकता है, इनकम की स्थिति यहां पर अच्छी दिख रही है। सूर्य 15 जून से यहां चले जाएंगे और फिर 18 जून को यहां वीनस आ जाएंगे, लक्ष्मी नारायण योग बनेगा और मालव्य योग भी बनेगा, क्योंकि शुक्र यहां अपनी राशि में विराजमान रहेंगे। तो ये जो योग बनेगा 18 जून से, ये भी आपके बिजनेस के लिए अच्छा है, इनकम के लिए अच्छा है। 18 जून के बाद कोई अच्छी डीलिंग बिजनेस में आपके लिए हो सकती है, कुछ अच्छी खबर बिजनेस में आपके लिए आ सकती है, कुछ इनकम में बढ़ोतरी आपके लिए हो सकती है। ये सब चीजें कार्ड्स पर दिखाई दे रही हैं, ये बुध और शुक्र के 18 जून से बने लक्ष्मी नारायण योग में, तो ये सब दोनों अच्छे योग हैं। उसके बाद देखिए प्रोफेशन की बात कर लूं तो प्रोफेशन लॉर्ड सूर्य आपके सेवंथ हाउस में और 14 जून के बाद एट्थ हाउस में विराजमान रहेंगे। सेवंथ हाउस में ये बहुत स्ट्रांग नहीं होते, लेकिन चूंकि गोचर के दरमियान ना ही शनि की दृष्टि सूर्य पर है, ना ही राहु की दृष्टि सूर्य पर है, और दोनों ही गोचर में जब सूर्य यहां भी रहेंगे और सूर्य यहां भी रहेंगे, तो राहु और शनि की दृष्टि सूर्य पर नहीं पड़ेगी, तो इस वजह से कोई खास पाप प्रभाव इनके ऊपर नहीं है, तो प्रोफेशन को लेकर के कमोबेश स्थिति ठीक है। थोड़ा सा सूर्य को मजबूत करिएगा, क्योंकि सेवंथ हाउस में बैठे सूर्य तो सेवंथ हाउस में थोड़े से ही वीक पड़ते हैं, क्योंकि ये कालपुरुष में सातवीं राशि तुला राशि की का घर होता है, जो कि जिसमें सूर्य जो है वो नीच के कहलाते हैं, तो इसी वजह से सूर्य आराधना थोड़ी सी करनी है, सूर्य को थोड़ी सी बल देनी है, अदरवाइज प्रोफेशन को लेकर के स्थिति बढ़िया है। और सूर्य की स्थिति अष्टम भाव में
यहां से बेहतर होगी। रीजन बिहाइंड दैट, 15 जून से जो सूर्य अष्टम भाव में जाएंगे, आठवें घर में जो होता है डेथ का घर होता है, लेकिन सूर्य चूंकि आत्मा का कारक ग्रह है और आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, तो सूर्य 8th हाउस में ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होते हैं, तो बेटर रिजल्ट यहां पे आएगा सूर्य का 8th हाउस में 7th हाउस के कंपैरिजन में। तो 15 जून से स्थिति ज्यादा अच्छी दिख रही है, 14 जून तक भी बुध आदित्य योग आपको फायदा देता हुआ दिखाई दे रहा है। इनकम लॉर्ड आईएएस आपके 7th हाउस में पूरे महीने बने रहेंगे, तो इनकम की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। तो ये सब चीजें ऑल अराउंड आपकी ठीक दिख रही है। राहु आपका 6th हाउस में और केतु 12th हाउस में जब से आया, थोड़ा सा खर्च आपका इंक्रीज हुआ है और थोड़ा सा डिजीजेस या परेशानियां थोड़ी सी हो सकता है आपकी बड़ी हो, स्पेशली जो राहु से संबंधित एरिया है, शेयर मार्केट हो गया या सडन गेन हो गया, सडन चीजें प्राप्त करने की जो कंडीशंस होते हैं उसमें थोड़ी सी कमी ये अभी दिखाई दे रही है। लेकिन राहु की स्थिति यहां पे अच्छी है, 6th हाउस में बुरी नहीं होती है, राहु छठे घर में अच्छा होता है, तो आने वाले समय में आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो वो बात की चीजें। लेकिन जून का महीना ऑल अराउंड आपके लिए सही दिख रहा है। जो आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है, अपने एंगर को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलिएगा, वैवाहिक जीवन को थोड़ा आप वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत परेशानी आपको 18 जून तक रह सकती है, उसके बाद जब शुक्र यहां पर चले जाएंगे तब आपको परेशानी वैवाहिक जीवन में खत्म होगी। लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा तालमेल बना करके चलिएगा, 18 जून के बाद भी तालमेल बना करके चलिएगा, क्योंकि ये लक्ष्मी नारायण योग 7th हाउस में वाइफ के हाउस में बना हुआ, तो लाइफ पार्टनर से सजेशन लेकर के काम करेंगे, स्थिति आपके लिए ज्यादा बेहतर होगी। और ये गोचरी व्यवस्था के आधार पर ये सारा प्रेडिक्शन है। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में कौन से ग्रह किस अवस्था में बैठे हैं, महादशा किसकी चल रही, अंतरदशा किसकी चल रही, लग्न कुंडली की क्या पोजीशन है, नवमांश कुंडली की क्या पोजीशन है, हर चीज पर प्रेडिक्शन निर्भर करेगा। तो अगर आप एक्यूरेट एनालिसिस चाहते हैं तो आप एक बार अपनी कुंडली एनालिसिस भी जरूर करा लीजिएगा, अगर आप एक्यूरेट प्रेडिक्शन चाहते हैं या किसी परेशानी में। अगर आप हमसे कराना चाहते हैं, आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर और मेल मिल जाएगा, आप वहां कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको जहां अच्छा लगे आप वहां करा सकते हैं। रेमेडीज में आप थोड़ा सा सूर्य आराधना करें, हनुमान चालीसा का बीच बीच में पाठ कर लिया करें, एक दोबारा भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कुछ ऐसा शनि से नहीं है। शनि पर एक बड़ी वीडियो मैं बनाऊंगा वृश्चिक राशि के लिए कि 4th हाउस में शशियोग और जो वृश्चिक राशि के लिए लोग ढैया मान रहे हैं उसका क्या डिफरेंशिएशन रहेगा, आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में आकर के। उस पर एक सेपरेट वीडियो अगर आपको चाहिए तो मैं बता दूंगा कि शशियोग का प्रभाव कितना रहेगा और ढैया का प्रभाव कितना रहेगा, वृश्चिक लग्न के लिए प्रभाव कैसा रहेगा और वृश्चिक राशि के लिए प्रभाव कैसा रहेगा, इस पर एक वीडियो मैं बनाऊंगा। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और की चीजें ठीक दिखाई दे रही है, सूर्य को थोड़ा मजबूत रखें, गुरु को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखें, गुरु गोचर से ठीक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप कर सकते हैं या ओम बृहस्पति नमो मंत्र का जप कर सकते हैं, ये चीजें बेनिफिट करेगी। आशा करता हूं वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।